योगी के वो तीन अफसर जिन्होंने खोद डाली कानपुर हिंसा की जड़ें। वो तीन अफसर जिन्होंने दो ही दिन में खोज निकाला पूरा खेल। कानपुर में हुई हिंसा की जड़ तक पहुंचने की एक एक साजिश का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी सरकार ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा को सौंपी, लेकिन अजय पाल शर्मा के साथ दो और आईपीएस को शामिल किया गया जो बेहद ही तेज तर्रार और जिम्मेदार अफसर हैं। कौन है योगी के तीन आईपीएस अफसर जो अब कानपुर हिंसा की जांच का काम कर रहे हैं? साथ ही आज आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इन्हीं सुपर कॉप्स पर भरोसा जताया गया। अजय पाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अजय पाल शर्मा पंजाब के रहने वाले हैं। उनकी पहली पोस्टिंग सहारनपुर थी, इसके बाद मथुरा गए, फिर शामली। अजय पाल शर्मा ने हर जिले में एनकाउंटर किए। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें नोएडा में पोस्टिंग दी गई। अजय पाल शर्मा ने जून 2019 में रामपुर में एक 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी नाजिल को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। एनकाउंटर में नाजिल को 3 गोलियां लगी थी, इसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई, लोग उन्हें सिंघम कहने लगे। अजय ने 100 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। पश्चिम यूपी में उन्होंने क्राइम की हर नब्ज को टटोल दिया। उनकी अगुवाई में 60,000 के इनामी बदमाश नौशाद उर्फ डैनी और 12,000 के इनामी सर्वर को पुलिस ने ढेर किया था। पश्चिम में उन्होंने क्राइम की हर नब्ज को टटोल दिया और कई बड़े इनामी बदमाशों को ढेर कर दिया, तो कई को जेल भेज दिया। नंबर 2, चारू निगम। अजय पाल शर्मा के सहयोग के लिए 2014 बैच की आईपीएस चारू निगम को भेजा गया है। वो आगरा की रहने वाली हैं। चारू गोरखपुर में विधायक राधा मोहनदास अग्रवाल से भिड़ने के बाद चर्चा में आई थी। उनकी पहली पोस्टिंग बतौर सहायक पुलिस अधीक्षक झांसी में हुई थी। 4 महीने की तैनाती में उन्होंने चंबल के लैंडमाइन माफिया से सीधा पंगा लिया और उनका अवैध कारोबार बंद करवा दिया। इसके बाद 2016 में चारू की पोस्टिंग गोरखपुर में हुई। वहां मेडिकल कॉलेज से चोरी हुए बच्चों को बरामद करके आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। इस कार्यवाही से उनकी खूब तारीफ हुई। इसी दौरान उन्होंने लंबित विवेचनाओं की फेरिस्त से 118 ऐसे केस निकाले जो गलत दर्ज किए गए। चारू ने इन्हें खत्म करवाया और इसी वजह से इन्हें कानपुर केस को हैंडल करने के लिए अजय पाल शर्मा की टीम में बतौर शामिल किया गया। नंबर 3, आईपीएस अविनाश पांडे। 2015 बैच के आईपीएस अविनाश पांडे का गृह जनपद खीरी है। इनकम टैक्स और डाक विभाग में सेवा देने के बाद वो आईपीएस बने हैं। उनकी बरेली, कानपुर और मैनपुरी में फील्ड पोस्टिंग रही है। मौजूदा समय में वो मुरादाबाद में पीएससी के कमांडेंट हैं। इससे पहले उन्नाव के एसपी थे। उन्नाव का चार्ज संभालते उन्होंने गोकशी रोकने के लिए छोटे बड़े सभी बूचड़ खानों पर ताला जड़ दिया। इससे गो तस्कर जिला छोड़कर भाग गए। इसीलिए कहा जाता है कि उनकी कार्रवाई में कोई पैरवी नहीं चलती, वो किसी की नहीं सुनते, जो करते हैं सिर्फ अपने मन की सुनकर करते हैं, और इसीलिए उन्हें कानपुर में उतार दिया गया है। और कहा जा सकता है कि 2 ही दिन में इन तीन बड़े आईपीएस अफसर ने कानपुर कांड का पूरा सच जनता के सामने रख दिया। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।